आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी, आंखें बंद, शरीर को आराम से रखें। बहुत ज्यादा तनाव या खिंचाव ना हो। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान नाक के आसपास, अपनी सांसों पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, यहां हम खुली हवा में बैठे हैं, सुबह का समय है, हवा में थोड़ी शीतलता है, हो सकता है कि आपको आपकी सांस समझ में ना आए। अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ध्यान रखें, एक दो सांसें थोड़ी गहरी लें, अपनी सांस को पहचानें और उसके बाद लगातार पूरी सजगता से अपना पूरा ध्यान आती और जाती सांस पर लगाए रखें। पूरी तरह सजग रहें, एक एक सांस को भीतर जाते और बाहर आते देखते रहें। केवल जानना है, सांसों को नियंत्रित नहीं करना। पूरी एकाग्रता, अपनी नाक के प्रवेश द्वारों पर। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर को सहज रखें। पूरी तरह सजग और सचेत होकर, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक सांस को देखते रहें। अगर भीतर जाती सांस लंबी है तो लंबी है, उसे वैसे ही रहने दें, उसे किसी तरह भी
नियंत्रित करने का प्रयास न करें। अगर बाहर आती सांस लंबी है तो लंबी है, उसे लंबी ही रहने दें। अगर सांस उथली है तो उथली है, और अगर सांस गहरी है तो गहरी है। अगर सांस में शीतलता है तो सांस शीतल है। अगर उसमें उष्णता है, गर्माहट है, तो सांस गर्म है। जैसी है वैसी ही रहने दें। केवल सांस को देखना और जानना है। अपना पूरा ध्यान लगातार अपनी सांसों पर बनाए रखें। अगर ध्यान भटकता है तो उसे हल्के से वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। ध्यान का भटकना स्वाभाविक है, उससे कतई परेशान न हो। जितनी भी बार ध्यान भटके, एक बार, दो बार, 10 बार, उसको हौले से वापस अपनी सांसों पर लेकर आए। पूरी सजगता से अपना पूरा ध्यान लगातार निरंतर अपनी सांसों पर, आती सांस जाती सांस। आंखों को बंद रखते हुए अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को, सिर से लेकर पैर तक, उसी तरह निहारें जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं। शरीर के एक एक अंग को मन ही मन देखें, सर से लेकर पांव तक। भीतर सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें। बाहर सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें।
शरीर के चप्पे चप्पे को, एक एक इंच को आप मन ही मन देखते रहें, महसूस करते रहें। हमें पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपनी सांसों पर ही लगाए रखना है। पूरी तरह सजग, पूरी तरह सचेत, पूर्णतः सावधान, लगातार निरंतर अपनी सांसों को देखते रहें, अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करते रहें। अभ्यास के अगले चरण में शरीर के एक एक अंग को हमें विश्राम देना है। सिर से लेकर पैर तक हर अंग को शांति देना है, सुकून देना है, रिलैक्स करना है, शिथिल करना है। एक एक अंग को विश्राम दें। भीतर सांस लेते हुए शरीर को विश्राम दें, आराम दें, शिथिल करें। बाहर सांस छोड़ते हुए शरीर के एक एक हिस्से को विश्राम दें, आराम दें, रिलैक्स करें, शिथिल करें। पूरी तरह सजग, पूरी तरह सचेत, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करें, शरीर के एक एक हिस्से को राहत पहुंचाएं, ठंडक पहुंचाएं, पूरे शरीर को अपनी सांसों को देखते हुए विश्राम दें। आनापान ध्यान के अभ्यास के दौरान हमारा मूल कर्म है अपनी सांसों को देखते रहना। शुरू से लेकर अंत तक हर पल, हर क्षण हमें अपनी सांसों को ही देखते रहना है। सांसों पर से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है।
अगर ध्यान हट जाता है तो उसको वापस लाइए। जब भी आपको मालूम हो कि ध्यान सांसों के अलावा कहीं और है तो उसको धीरे से सांसों पर लाएं। उसके अलावा हमने अभी अपने पूरे शरीर को महसूस किया, एक एक अंग को महसूस किया। तत्पश्चात शरीर के एक एक अंग को विश्राम दिया, शांति प्रदान की। अब हमें अपने शरीर में, अपने मन में हो रही संवेदनाओं को देखने की कोशिश करनी है। आपको बारीकी से यह देखना है कि इस समय आप कौन सी संवेदना महसूस कर रहे हैं। आपके मन में कौन सी भावनाएं आ रही हैं, कैसी फीलिंग्स हो रही हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आपके मन में किसी किस्म का क्रोध है या शांतता का भाव है, प्रेम और करुणा का भाव है अथवा घृणा और अशांति का भाव। क्या किसी तरह का भय है, आशा, निराशा। उत्साह, उमंग है या किसी तरह का विषाद है, या इसके अलावा और कोई भाव आपके मन में है, चिंता है। उस संवेदना को देखें और महसूस करें। शुरू शुरू में अपनी संवेदनाओं को पहचानने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन अभ्यास के बाद आपको आसानी से पता लगेगा कि इस समय आप क्रोध महसूस कर रहे हैं या खुशी महसूस कर रहे हैं या दुख महसूस कर रहे हैं या भय महसूस कर रहे हैं या किसी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें आत्मबोध की ओर बढ़ना है। मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या चल रहा है, अपने आप को पहचानना है। यह काम केवल इंसान कर सकता है, किसी भी जानवर के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को पहचाने। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो तत्काल कोई गलत प्रतिक्रिया करने से बच सकते हैं, जिससे कि बाद में पछतावा ना हो। भीतर सांस लेते हुए अपनी संवेदनाओं को पूरी सघनता से महसूस करें। जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस करें और जानें कि इस समय मुझे ये संवेदना हो रही है।
बाहर सांस छोड़ते हुए अपनी संवेदनाओं को देखें और जानें। जो भी संवेदना हो रही है उसे अच्छा या बुरा ना माने, केवल देखें। देखना ही पर्याप्त है। अब आपको अपनी कल्पना का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसे अवसर आए होंगे जब आपने हर्ष और उल्लास का अनुभव किया होगा। किसी एक ऐसे अवसर को याद करें जब आपने जीवन में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास महसूस किया। आपके अपने, आपके मित्र, आपके संबंधी आपके आसपास हैं, खुशी का माहौल है, आप आनंदित हैं, उस अवसर को महसूस करते हुए अपने चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान लेकर आएं। उस हर्ष और उल्लास को एक बार फिर से महसूस करें शरीर के रोम रोम में। आपकी पूरी त्वचा में वही हर्षोल्लास समाहित हो जैसा उस समय था। भीतर सांस लेते हुए हर्ष और उल्लास को महसूस करें पूरी गहराई से। बाहर सांस छोड़ते हुए हर्ष और उल्लास को महसूस करें पूरी गहराई से। इससे मिलता जुलता एक और दृश्य हम देखने की कोशिश करेंगे। वो दृश्य है सुख का, सुकून का, आनंद का। आप याद करें, आपके जीवन में कोई बहुत ही सुखद क्षण, आपके आसपास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आप बहुत आराम से हैं, आपको किसी तरह का दुख या कष्ट नहीं है, सुख आनंद। अच्छा भोजन, अच्छा संगीत, अच्छा माहौल, अच्छे लोग,
कोई सुंदर स्थान, भीतर सांस लेते हुए सुख और आनंद को अनुभव करें, ठीक उसी तरह जैसे उस समय आपको सुख और आनंद की अनुभूति हुई थी। बाहर सांस छोड़ते हुए सुख और आनंद की अनुभूति कीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या मानसिक प्रक्रियाएं हैं, किस तरह की संवेदनाएं आप महसूस कर रहे हैं, कौन सी भावनाएं आप महसूस कर रहे हैं, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दें। एक तटस्थ दर्शक की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो दूर से बैठकर केवल देख रहा है, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को देखें, उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें। जिस भी मानसिक अवस्था में आप हैं उसको देखने का प्रयास करें। भीतर सांस लेते हुए अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को देखें, केवल देखें। बाहर सांस छोड़ते हुए अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को देखें। पूरी सजगता से आपका पूरा ध्यान लगातार अपनी सांसों पर, भीतर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक एक सांस को बारीकी से देखते रहें, पूरी एकाग्रता नाक के आसपास, नासिका के द्वारों पर, ये अभ्यास है, सांसों का अभ्यास। सांसें अगर अविचल हो जाएं अभ्यास करते करते, तो मन निर्मल और निष्कलंक हो जाता है। साफ सुथरे मन से
हमें आत्म सत्य के दर्शन होते हैं। और जब हम यह सत्य देखते हैं तो धीरे धीरे परम सत्य के दर्शन के भी मार्ग खुलते जाते हैं। हम सांसारिक बंधनों से, दुख दर्द से, तनावों से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। और शांति की ओर बढ़ते हैं। अपने आप को देखते रहें, अपने शरीर को आराम दें, अपनी संवेदनाओं को विश्राम दें। यह संभव है अगर आप केवल अपनी सांसों को देखें, पूरी एकाग्रता से, पूरी सजगता से। केवल अपनी सांसों को देखना है। आज हमने जो ध्यान किया, थोड़ा सा तप किया, इससे हमें शांति मिली, सुकून मिला। इस शांत चित्त से हम संसार के लिए मंगल कामना करेंगे। एक मैत्री भाव सबके लिए जगाएंगे। पूरे संसार में सुख शांति हो। दसों दिशाओं में सभी प्राणी निर्भय और निर्भैर हों, स्वस्थ और निरोगी हों। संसार के सभी प्राणी सभी जीव जंतु सुखी हों, शांति महसूस करें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। आप जो यहाँ तप करने आए, उनके लिए तथागत से प्रार्थना है कि आपका भी खूब भला हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। आप सब हमेशा सुखी रहें। आपके जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट ना आए। खूब मंगल हो। आज का हमारा ध्यान पूरा हुआ।
धीमे धीमे आप ध्यान से बाहर आएं, और अपनी आंखें खोलें।